मानव अधिकार का संरक्षण आपका धर्म है ना, उसी धर्म के चलते मेरी बेटी मुझसे मयूरा ने छीन ली। लेकिन इस बार उल्टा होगा, इस बार खुद चुपचाप आप मेरी बेटी को मुझे सौंपेंगे। हेलो, नमस्ते। हाय, आई एम माया। माया नहीं, मयूरा है। इंस्पेक्टर, इसने मेरी बेटी को किडनैप किया। आप इसे अरेस्ट करिए और पूछिए कि मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है इसने। बेटी? कौन सी बेटी है? अरे आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? आपने देखा है ना इसको, ये मेरी पत्नी है मयूरा। हुआ है क्या? मुझे तो लग रहा है इन्हें सदमा लग गया। देखिए ना, बेचारे हर औरत में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। So sorry. ओंकार जी, इनका चेहरा आपकी पत्नी से जरूर मिलता है, मगर वो बहुत अलग थी। ये मयूरा कैसे हो सकती हैं? और फिर इनके चेहरे पर वो निशान भी नहीं है। जी, शायद वो आप ही थे ना जिनका संगमरमर का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया था, और शायद वो आप ही थे जिनका मैगजीन में वो कवर पेज पे फोटो छपने वाला था पर हमारा छप गया। Listen, I'm so sorry for that. पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वो पुरानी हिंदी मूवीज की तरह मुझसे बदला लेने आ गए। बस मेरा बदला तुम ले रही हो मुझसे ये नाटक करके। मैं किस बात का बदला लूंगी आपसे? क्योंकि मैंने तारा को मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं फंसने वाला। अरे फोटो छोड़िए आप। आपके सामने खड़ी है। चेहरे का निशान हटाया जा सकता है। आप तो मिली है ना मयूरा से? ये मयूरा है मेरी पत्नी। अभी भी आपको फोटो की पड़ी, आपके सामने पूरी की पूरी मयूरा खड़ी है। देखिए उसे। एक सेकेंड। कौन मयूरा? ये क्या बोल रहे हैं ये? इन्हें लगता है कि आप इनकी पत्नी मयूरा हैं, जिन्होंने इनकी बेटी तारा को किडनैप किया है। देखिए, I'm so sorry. आपके साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी आपके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन यकीन मानिए मेरा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपकी पत्नी मयूरा नहीं हूं, मैं माया हूं। अच्छा, सिचुएशन ऐसी है, आप लोग मेरी चाहिए तो आईडीज चेक कर सकते हैं। इट्स ओके। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए माया का प्रूफ। ओंकार जी, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, कहते हैं दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। अब हो सकता है कि मेरी सूरत इनकी पत्नी से मिलती हो।
लेकिन सूरत का क्या करना है? असली पहचान तो सीरत से होती है। बकवास बंद करो मयूरा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अगर इसके चेहरे का निशान आप लोगों को दिखेगा तो आप मान जाओगे ना कि यही मयूरा। ठीक है, मैं दिखाता हूं। ओमकार जी, क्या बदतमीजी है ये? I'm sorry, पर पानी मैं इनके ऊपर फेंक रहा था। आपने देखा ना कैसे साइड हट गई, क्योंकि ये जानती है अगर पानी इनके ऊपर पड़ेगा तो इनका निशान सबके सामने आ जाएगा। एक सेकंड, आपको क्या लगता है ओमकार जी, आप मुझ पर पानी फेंकेंगे और मैं एक स्टैचू की तरह खड़ी रहूंगी? दिमाग ठीक है आपका? देखिए आप प्लीज ले जाइए इनको यहाँ से, प्लीज। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मयूरा। एक्चुअली ना ऊपर से गिर जाओ तो बहुत चोट लगती है, आपको लगी? मेरे पैरों में गिरने की आदत डाल उनका, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए आप प्लीज इन्हें ले जाइए, मुझे लगता है इनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैंने आपको अपनी सारी आईडीज दिखा दी है ना, मैं कोई निशान छुपा रही हूँ ना ही कोई पहचान। हाँ लेकिन अगर ये 2 मिनट और यहाँ रहे ना तो मेरे चेहरे पर जरूर स्ट्रेस के निशान आ जाएंगे, प्लीज। मैम जूस प्लीज। थैंक यू, जी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम मयूरा नहीं माया हो ना? तो एक छोटा सा डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। मयूरा का सामान है मेरे पास, मैच कर लेते। पता चल जाएगा कि तुम माया हो या मयूरा। एक सेकेंड ओमकार जी, आप, मैं आपकी तरफ हमदर्दी जता रही हूं, आप तो हद पार कर रहे हैं। मतलब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हार गए आप? तो इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने माया होने के सबूत दे दिए हैं ऑलरेडी, अब सिर्फ इनकी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं खुद को फिर से प्रूव नहीं करूंगी। आप प्लीज इन्हें ले जाइए या तो फिर मैं DIG सर को फोन कर देती हूँ। ओमकार जी आप चलिए यहाँ से, ये आपकी पत्नी मयूरा नहीं। अरे आप लोग अंधे हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, ये मयूरा। अली, oh,
आज के बाद ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत मत करना। इस बार जूस था, अगली बार जूस का ग्लास और तुम्हारा ये सर होगा। इंसान हूं मैं, तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूं। आउट। अभी के अभी निकलो यहां से। गेट आउट नाउ। देखने लायक था, स्पेशली जब तुमने उसके ऊपर वो जूस फेंका ना पचाक करके, तब आई नो। लेकिन वो डीएनए वाली जब बात आई ना, मैं बहुत डर गई। आई स्वेयर। पर वो कहते हैं ना कि जब इंसान डर जाता है तो गुस्से से अपना डर छिपाता है। मैंने भी वही किया। और हाँ, थैंक यू सो मच, आपने वो फेक आईडीज बनाए, काम आ गए आज तो। You're always welcome. बस अब ज्यादा मत सोचो, तुमने ये जंग जीत ली है। जाओ अपनी तारा के साथ अच्छा समय बिताओ, आखिर तुमने ये लड़ाई उसी के लिए लड़ी है ना। तुम तब बनोगी जब तारा तुम्हें मां कह के पुकारेगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, मैं अपनी बेटी को इनके आसपास नहीं रहने दे सकता। मयूरा, क्या हुआ? कुछ नहीं विशाखा जी, बस यही सोच रही थी कि मयूरा और माया में बस एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो है ये निशान। इतनी आदत हो गई थी मुझे इस निशान की, पर ये नहीं सोचा था कि ये मेरी पहचान बन जाएगा। तुम फिर से सोचने लगी। डोंट थिंक टू मच, बस तारा के बारे में सोचो। गो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हर। और हाँ, प्लीज ध्यान रखना। वैसे मैं अपने गार्ड्स को तुम्हारे साथ भेजूंगी ताकि वो नजर रखे कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हें भी ध्यान रखना होगा, ओके? So have some fun. मम्मा आपसे मिलने आ रही है मेरी बच्ची। विशाखा जी, मैंने जो आपसे बात कही थी, आई होप वो हो गई है। हाँ, लेकिन ये भेजा किसने? मैं एक मिनट में पकड़ने इसको। अरे सुनिए तो, ये कहां गई? मिंटी का मैसेज, मिंटी का वीडियो है। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तारा भी एकदम ठीक है, आप लोग हमारी फिक्र मत करना। मैंने निशा के थ्रू जो वीडियो लिंक भिजवाया था, आई होप आपने वो देख लिया है। अब मैं मयूरा से माया बन चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं अपने माया जाल में ओंकार को फंसा कर उससे बदला नहीं ले लेती। अभी तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन जल्द ही मिलूंगी। आप लोग अपना ख्याल रखना।
और इस वीडियो का नामो निशान मिटा देना। बाय पापा। मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरी बेटी जहां भी रहे सुरक्षित रहे, खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ा खेल खेल रही है मयूरा, मेरी हर चाल उल्टी पड़ रही है। कोई तो तोड़ होगा इसकी चाल का। तोड़ तो है, अगर आप लोग चाहो तो। तुम फिर आ गई। माँ ने कहा था ना अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाती। वैसे आज मयूरा ने ओमकार का चेहरा हरा किया है, कल अगर काला कर देगी तो दौड़ते हुए मेरे पास मत आना। इसे मानना पड़ेगा, मेरी कमजोर सी बहन इतनी शातिर निकलेगी, मैंने सोचा ही नहीं था। संगे मरमर सरताज का ये हाल कर दिया। दम तो है बंदी में। तुम जाती हो कि मैं? ठीक है, चली जाती हूँ। लेकिन एक बहन के राज कैसे निकलवाने हैं वो दूसरी बहन ही जानती है। बाकी तुम्हारी मर्जी। मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे जो सही लगा मैंने किया। रुक जाओ। क्या कर सकती है तुम? ओमकार जी, कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन उसके बदले आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो मैं करूँगा, लेकिन अगर तुमने मयूरा के प्लान, उसकी चाल, उसके खेल के बारे में सब कुछ पता नहीं लगाया ना, तो तुम्हारी बहन को तो मैं बाद में देखूंगा और तुम्हारा जीना मैं अभी मुश्किल कर दूंगा। याद रखना। ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या करोगे तुम? आपने तो कहावत तो सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो समझ लीजिए मयूरा की लंका ढाने का टाइम आ गया।